धरती से लेकर मैदान तक हर खबर पहुंचाएंगे आप तक। सात की बात शाम 7 बजे देखिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने मोहाली में उनके आवास पर पहुंच गए। बता दें कि पंजाब में कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ने के बीच राज्य के प्रमुख कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत की सोनिया गांधी से बीते कल मुलाकात हुई है। हालांकि इस मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन हरीश रावत ने एक बार फिर ये बात दोहराई कि जो भी फैसला होगा आप सभी को जल्द बता दिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा है कि कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष को मैं अपना नोट सबमिट करने आया हूं। पंजाब को लेकर सोनिया गांधी जो फैसला लेंगी और मुझे पता लगेगा वो मैं सबसे पहले आकर बताऊंगा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, इस सवाल के जवाब में रावत ने कहा है कि किसने कहा कि सिद्धू अध्यक्ष बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 10 जनपद में हुई इस बैठक में कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। तो कांग्रेस में लगातार अंतर्कलह बरकरार है। पंजाब कांग्रेस में लगातार मनमुटाव जारी है। अमरिंदर और सिद्धू के बीच लगातार ये सियासी गर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर रोजाना नए नए बयान सामने आ रहे हैं। तो सोनिया गांधी से दोनों की मुलाकात हो चुकी है, हालांकि कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब आगे क्या फैसला लेना है इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लिंगायतों के लिए अलग धर्म का मुद्दा मंत्री एमबी पाटिल ने फिर उठाया है। मुद्दा कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने एक बार फिर से लिंगायतों के लिए धर्म अलग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले चुनावों में मिली हार के बाद चुप रहे पाटिल अभी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लिंगायतों के लिए अलग धर्म का होना उनकी पहचान का एक मुद्दा है। उन्होंने कल नागनूर रुद्राक्षी मठ का दौरा करने के बाद बेलगावी में पत्रकारों से बात करने के दौरान इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वीरशैव लिंगायतों की एक उपजाति है। उनके मुताबिक पिछली बार गैर जरूरी भ्रम पैदा किया गया था, लेकिन अब की बार हम इस मुद्दे को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लिंगायतों के लिए एक अलग धार्मिक दर्जा प्राप्त करने का संघर्ष 12वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, इससे पहले भी ये मुद्दा मंत्री एमबी पाटिल उठा चुके हैं। एक बार फिर से लिंगायतों के लिए उन्होंने ये अलग धर्म का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि एक उपजाति है, इसके लिए एक अलग धर्म होना ही चाहिए। आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तभी भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। तो मंत्री एमबी पाटिल ने लिंगायतों के लिए अलग धर्म का मुद्दा एक बार फिर से बना दिया है, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। जब पहले ये मुद्दा उठाया गया था तब चुनावों में उनकी बुरी तरह से हार हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब आगे देखना होगा कि इसका परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जयपुर में परिचित युवकों के जबरन युवती को बाइक पर बैठाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पूरे मामले में बजाज नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सवाई माधोपुर निवासी युवती ने परिचित शंकर लाल और विकास के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि 10 जुलाई को आरोपी उसको बाइक पर जबरदस्ती बैठाकर अपहरण कर एक कमरे में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले की जांच थानाधिकारी रमेश सैनी कर रहे हैं। तो लगातार राजस्थान में महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रहती है। एक और मामला सामने आया है जहां पर परिचित युवकों ने युवती से दुष्कर्म किया और लगातार उसे डराते धमकाते रहे, जिसको लेकर किसी तरह युवती वहां से जान बचाकर भागी और थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
तो राजस्थान में महिलाओं के प्रति लगातार अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कई मामले सामने आ चुके हैं, कई ऐसे जघन्य अपराध महिलाओं के प्रति हो रहे हैं जिसने देश भर की जो नजर है वो राजस्थान की तरफ डाली है। एक बार फिर से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। रोजाना महिलाओं के साथ दुष्कर्म, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ यौन शोषण की खबरें सामने आती रहती हैं। ये ताजा मामला जयपुर से सामने आया जहां पर परिचितों ने ही इस महिला का रेप किया, उसके बाद उसे डराने धमकाने लगे, धमकियां देने लगे, जिसके बाद युवती ने इस पूरे मामले में थाने में FIR दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चुनौती को देखते हुए पार्टी करीब 1.5 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार करेगी जो गांव, वार्ड, मोहल्लों में जाकर लोगों को सहायता उपलब्ध कराएंगे। सुनील बंसल ने शुक्रवार को प्रदेश कार्य समिति बैठक के तृतीय सत्र में संगठन की आगामी कार्यक्रमों और अभियानों को पटल पर रखते हुए कहा है कि प्रदेश के 56,000 गांवों और 12,000 वार्डों में एक युवा और एक महिला हेल्थ वॉलंटियर के तौर पर काम करेंगे। स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाने का काम 20 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि अब 2 दिन का बीच में समय बचा है। साथ ही स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण का अभियान भी चलाया जाएगा। संभावित तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संक्रमित होने की आशंका को देखते हुए इस स्तर पर टीम में महिला की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इन सभी लगभग 1.5 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाएगा ताकि वो ग्रामीणों से बात कर सके, उन्हें समझा सके कि कैसे पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर आदि का इस्तेमाल करना है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना है। इसके लिए विशेषज्ञों के वीडियो भी तैयार किए जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी पहल है। गांवों, वार्डों, मोहल्लों में जा जाकर ये जो वॉलंटियर्स हैं वो काम करेंगे, गांव वालों को समझाएंगे कि अपना वो ऑक्सीजन लेवल कैसे नाप सकते हैं, थर्मामीटर को कैसे देख सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ताकि जो तीसरी लहर का अंदेशा लगातार पूरे विश्व में बना हुआ है, भारत में वैसे ही नए नए म्यूटेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, लगातार नए नए वेरियंट अलग अलग रूप में सामने आ रहे हैं, ऐसे में विशेषज्ञ कह चुके हैं कि तीसरी लहर आ चुकी है। तो इसी वजह से बीजेपी अब ये पूरी तैयारी कर रही है ताकि तीसरी लहर में लोगों को उतना नुकसान झेलना ना पड़े जो कि पहली और दूसरी लहर में हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध अनुसंधान सेल जयपुर और पूर्व एवं पदयोचित RPS अधिकारी कैलाश चंद बोहरा के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। बोहरा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने महिला उत्पीड़न के प्रकरण में गिरफ्तार किया था, बाद में राज्य सरकार ने उन्हें पद से बर्खास्त भी कर दिया। इसके साथ ही एक अन्य प्रकरण में गहलोत ने भारतीय पुलिस सेवा के निलंबित अधिकारी मनीष अग्रवाल के निलंबन की अवधि आगामी 180 दिवस तक बढ़ाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है। अग्रवाल ACB द्वारा भ्रष्टाचार तथा अवैध वसूली के प्रकरण में फरवरी 2021 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से लगातार पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में रह रहे थे। आपको बता दें कि निलंबन अवधि समिति ने पूर्व में अग्रवाल का निलंबन 120 दिन तक बढ़ा दिया था, यह अवधि 31 जुलाई को पूरी हो रही है। अब समिति ने निलंबन अवधि आगामी 180 दिनों के लिए और ज्यादा बढ़ा दी है, जिसका मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर दिया है। आपको बता दें कि महिला उत्पीड़न में इनको गिरफ्तार किया गया था और अब भी इनकी गिरफ्तारी लगातार बनी हुई है, निलंबन की अवधि भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब जाकर 31 जुलाई को इनकी जो अवधि है वो खत्म हो रही थी, लेकिन 180 दिन के लिए इस अवधि को और ज्यादा बढ़ा लिया है। खुद वहां के मुख्यमंत्री ने ये बेहतर कदम उठाया है। जयपुर में एक बार फिर से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल एक युवती के मोबाइल पर QR कोड भेजकर हजारों की ठगी की गई। ठग ने सेना में मेजर होने की बात कहकर युवती को विश्वास दिलाया, जिसके बाद बैंक खाते में सेंध लगाकर 90,000 रुपए की ऑनलाइन शपथ लगा दी। मानसरोवर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रजत पथ मानसरोवर निवासी आयुषी रस्तोगी के साथ ठगी की वारदात हुई। उन्होंने अपना फ्लैट किराए पर देने के लिए 99 एकर्स मैजिक क्रिप्स आदि पर विज्ञापन डाला था
और 14 जुलाई की शाम उसके मोबाइल पर एक व्यक्ति का कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को सीना का मेजर बताया और आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंटीन कार्ड की फोटो भेजकर उसे विश्वास भी दिलाया। उसके फ्लैट को किराए पर लेने की बातचीत कर किराया तय किया और बैंक खाते में ऑनलाइन किराया डालने की बात कहकर पहले ₹1 भेजा। ₹1 भेजने के साथ ही उसने QR कोड डाल दिया। QR कोड स्कैन करते ही युवती के बैंक खाते से 5 बार में कुल ₹90,000 निकल गए। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर शातिर की तलाश में जुटी हुई है और लगातार राजस्थान में ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो देश में भी साइबर क्राइम लगातार अपने चरम पर है। हालांकि इसको लेकर तमाम टीमें भी बनाई गई हैं, साइबर सेल बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी ऑनलाइन ठग जो है वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आते हैं। ऐसे में आप सभी लोगों से अपील है कि कोई भी आपसे QR कोड या तमाम चीजें मांगता है तो कृपया उसे उपलब्ध ना कराएं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा कोशिशों में लगी हुई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की उस महिला उम्मीदवार से उन्होंने मुलाकात की जिनके साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान अभद्रता की गई थी। इस दौरान उन्होंने यहां पर दोबारा चुनाव कराने की मांग भी उठाई है। 3 दिन के यूपी प्रवास के दूसरे दिन कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंची। यहां के पसगवां में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में नामांकन में महिला से बदसलूकी हुई थी। प्रियंका गांधी ने चुनाव में हिंसा उत्पीड़न का शिकार हुई रितु सिंह और अनीता यादव से मुलाकात कर उनसे बातचीत की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनको दिख रहा है कि अत्याचार हो रहा है, उनको दिख रहा है कि महिलाओं से अभद्रता हुई है, उनको दिख रहा है कि चुनावों में धांधली हुई है, ऐसे स्थानों के चुनाव रद्द कर दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए। वो आगे कहती है कि हम लोकतंत्र के लिए, न्याय के लिए महिलाओं के खिलाफ अभद्रता जो बढ़ रही है उसके लिए लड़ रहे हैं। भाजपा सरकार महिला अपराध का पर्याय बन चुकी है। प्रदेश की महिलाएं आने वाले समय में महिला विरोधी सरकार को करारा जवाब तो देंगी ही। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा के आगमन पर यहां के मैगलगंज बॉर्डर पर अपर पुलिस अधीक्षक भी फोर्स के साथ मौजूद रहे, जिससे कि उनके आगमन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए, उन्हें तोड़ा ना जा सके। तो प्रियंका गांधी लगातार मिशन यूपी पर हैं और आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता हुई थी, जिसको लेकर राजनीति भी खूब हुई थी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार को लताड़ा था और एक बार फिर से उन पीड़ितों के साथ वो मिलने के लिए पहुंची हैं, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही साथ सरकार को चेता दिया है कि जिन महिलाओं के साथ अभद्रता करवाई जा रही है वो महिलाएं ही करारा जवाब 2022 में सरकार को देगी। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्पीड़न का शिकार हुई महिला उम्मीदवारों से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है, उनके दर्द को बांटा है, साथ ही साथ सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि 2022 तक पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी सभी सीमाओं के फेसिंग गैप को भर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने 18वें BSF के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए घोषणा की है। सुरक्षा की दृष्टि से पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने को महत्वपूर्ण बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, यदि अंतराल पूरी तरह से नहीं भरे गए तो सीमा पर बाड़ लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि 2022 सीमा पर बाड़ लगाने में कोई अंतर ना हो। मंत्री आगे कहते हैं कि बाढ़ परियोजना से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान कर लिया गया है और भविष्य में लक्ष्य के क्रियान्वयन में यदि कोई बाधा आती है तो उसका समाधान भी किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत लंबे समय से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपनी संवेदनशील सीमा पर संवेदनशील और घुसपैठ की आशंका वाले पेच को बंद करने के लिए बाड़ लगाने की कोशिशें कर रहा है और सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। ऐसे में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पे दो टूक कह दिया है कि अब बाड़ लगाने का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा 2022 तक, ताकि घुसपैठ ना हो सके और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से यहां पर दाखिल ना हो सके। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 2022 तक
सभी फेसिंग गैप जो है वो भर दिए जाएंगे। किसी तरह की कोई घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं कर पाएगा। कोई भी घुसपैठी अगर आता है तो उसका पता आसानी से चल सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने बाड़ लगाने के काम को बहुत जोर दिया था, लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन आज अमित शाह कह चुके हैं कि 2022 तक ये काम पूरा हो जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। सड़क से लेकर संसद तक राजनीति से लेकर काम तक खिलाड़ी से लेकर मैदान तक हर खबर पहुंचाएंगे आप तक। सात की बात शाम 7 बजे देखिए मेरे साथ। यहां तक कि जो महिलाएं कल तक